हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा की स्टेशनरी सीरीज में हम चेकआउट करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर पेंसिल बॉक्स जिसका नाम है मैजिक बस। तो आइए पता लगाते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये टॉप सेलिंग लिस्ट में है। इसका सबसे अट्रैक्टिव फीचर तो ये ही है कि ये पेंसिल बॉक्स एक बस की शेप में है और नीचे में यहाँ पर इसके टायर्स भी दिए गए हैं जिसकी वजह से हम इसे इस तरीके से आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। तो इस मैजिक बस को आप पास से चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक बस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैजिक बस लिखा हुआ भी है। यहाँ पर ये वेलकम गेट है और 1, 2, 3, 4, 5 विंडोज भी हैं इस बस में। यहाँ पर यूनिकॉर्न है, एक विंडो से यूनिकॉर्न बाहर देख रहा है और दो विंडोज में ये कार्टून्स बने हुए हैं। यहाँ पर ये रेनबो का भी सिंबल है। पूरी 3 कंपार्टमेंट्स इस पेंसिल बॉक्स में बाहर से दिख रही हैं। टॉप में भी आप देख सकते हो कितना क्यूट सा यूनिकॉर्न बना हुआ है और उसके ऊपर ये कैरेक्टर भी यूनिकॉर्न को राइड कर रहा है। अगेन यहाँ पर मैजिक बस की ब्रांडिंग है। दूसरी साइड में भी सेम वो ही पिक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, ये पेंसिल बॉक्स मेटल का बना हुआ है और ये जो बॉटम वाला पार्ट है सिर्फ ये ही प्लास्टिक का है। और यहाँ आप देख सकते हो इस बस के नीचे में ये टायर्स भी हैं ताकि ये पेंसिल बॉक्स आगे और पीछे मूव कर सके। इससे एक पेंसिल बॉक्स को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि बाकी पेंसिल बॉक्स में आपने इस तरीके का फीचर नहीं देखा होगा। और पेंसिल बॉक्स का ये फ्रंट लुक है, ये कार्टून फेस यहाँ फ्रंट लुक में दिया गया है। ये दो क्यूट सी आईज, नोज और माउथ इसके लुक को और ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। तो चलो अब जल्दी से पेंसिल बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। अब मैं ये टॉप वाला सेक्शन ओपन करके देखती हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही ओपन किया इसके साथ साथ स्लाइड होते हुए ये वाला ऊपर छोटा कंपार्टमेंट है और नीचे उसके एक बिगर कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आई थिंक हम छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि ये शार्पनर्स हम इस कंपार्टमेंट में रखेंगे तो बेटर रहेगा, या फिर हम यहाँ पर अपने क्रेयॉन कलर्स भी रख सकते हैं। यहाँ नीचे वाले कंपार्टमेंट में मैं रखना पसंद करूँगी अपनी पेंसिल्स। तो मेरे पास ये कुछ पेन पेंसिल्स हैं जो कि मैं इस कंपार्टमेंट में रख रही हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल्स मैं यहाँ पर रख पा रही हूँ, इतनी इसकी कैपेसिटी है। इसमें बड़ी आसानी से 5 पेंसिल्स आ जाएंगी। और इनफैक्ट ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है इसकी लेंथ भी अप्रोप्रिएट ही है, इसमें भी पेंसिल आसानी से फिट हो जाएगी। ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है इसका साइज़ भी काफ़ी अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई भी पेन या पेंसिल बड़ी आसानी से आ सकता है। अगर हम इसकी ब्रेथ और लेंथ चेक करें तो ये नॉर्मल स्केल इस पोर्शन में फिट नहीं हो पा रहा है, उसे हमें ये लोअर पोर्शन में ही रखना होगा। यहाँ पर ये बात ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो नीचे वाला सेक्शन है इसको हम ओवर क्राउडेड ना करें क्योंकि फिर ये पेंसिल बॉक्स प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम 5 पेन्स या पेंसिल्स इस कंपार्टमेंट में आसानी से फिट हो सकती हैं। इसके बाद अब मैं ये लोअर कंपार्टमेंट चेक कर लेती हूँ। इसका इस तरीके से इसमें स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेबल्स बने हुए हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर 1 का टेबल भी दिया हुआ है, फिर 2 का टेबल है, 3 का। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये टेबल्स दिए गए हैं। अगर आप नोटिस करोगे कि सिर्फ 1 का ही टेबल है जो 1, 2, 9 तक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 2 का टेबल 2 से शुरू किया, फिर 3 का टेबल 3 से और 4 का टेबल 4 से इस तरीके से शुरू करा गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर हम 3 2s ढूंढना चाहेंगे तो हमें 2 3s में ही उसका आंसर मिल जाएगा। तो स्मार्ट किड्स के लिए आई थिंक ये टेबल पैटर्न बड़ा ही अप्रोप्रिएट है। तो ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर ज़्यादा पेन्स या फिर पेंसिल्स आ जाएंगी बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पेन्स को रख लेती हूँ और बंद करके चेक करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम एक साथ इतनी सारी स्टेशनरी को इस पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ये टेबल्स भी दिए गए हैं। फ्रंट में ये जो स्टॉप का पार्ट है इसे भी हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर एक हिडन शार्पनर है। मैं पेंसिल बॉक्स में से पहले पेंसिल निकाल लेती हूँ। सो ये वाली पेंसिल को अब मैं इस हिडन शार्पनर में शार्प करके चेक करती हूँ कि ये शार्पनर कैसे काम कर रहा है। इस तरीके से इसमें मैंने पेंसिल इंसर्ट की और ये आप देख सकते हो कि हम इस तरीके से इसमें पेंसिल को बड़ी आसानी से शार्प कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना, आप देख सकते हो पेंसिल शार्प हो गई है। कितना अट्रैक्टिव फीचर है ना फ्रेंड्स कि पेंसिल बॉक्स में ही एक हिडन शार्पनर भी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ वो शार्पनर कहाँ फिटेड है।
एक्चुअली ये जो बॉटम पार्ट है इसमें यहाँ बॉटम में ये शार्पनर है, यहाँ पर डस्ट कलेक्ट हो जाती है। तो आप पेंसिल को शार्प करने के बाद इस तरीके से डस्ट को कलेक्ट करके इसे क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारे फीचर्स थे इस पेंसिल बॉक्स में। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपको ये पेंसिल बॉक्स कैसा लगा। दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स का प्राइस है अराउंड ₹400 और सिमिलर बस पैटर्न में आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स और थीम्स में ये पेंसिल बॉक्स मिल जाएगी। जस्ट इन केस यू वांट टू बाय दिस पेंसिल बॉक्स तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।